मॉनसून सीजन में प्रशासन बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारी में जुट गया है। देवास में बाढ़ आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। बाढ़ आपदा प्रबंधन की बैठक में अनुविभागीय अधिकारी प्रिया चंद्रावल ने आपात स्थिति से निपटने के लिए नावों का अधिग्रहण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा लाइट, क्षतिग्रस्त पुल पुलिया की मरम्मत, रेलिंग और खाद सामग्री का स्टॉक रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में अन्य कई निर्णय भी लिए गए। बैठक में तहसीलदार आशुतोष शर्मा, CEO जनपद पंचायत KP राजौरिया, थाना प्रभारी सुरेखा निमोदा नेमावर, CMO बालीराम मंडलोई समेत नागरिक मौजूद थे। बाढ़ आपदा प्रबंधन समिति की अनुभाग स्तर की बैठक आज नेमावर नगर परिषद में आयोजित की गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि आगामी कुछ दिनों पश्चात मानसून आने वाला है और इस स्थिति में नर्मदा नदी और अन्य हमारी अनुभाग के अंतर्गत आने वाली नदियां जो हैं, जैसे जामनेर नदी, बागदी नदी, नर्मदा नदी, इनका जल स्तर बढ़ने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुभाग के सभी विभाग के अधिकारियों को बुला करके और हमारे जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधु सभी लोगों की उपस्थिति में आज हम लोगों ने बाढ़ आपदा प्रबंधन समिति की बैठक रखी है, जिसमें बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उसके संबंध में चर्चा की गई है। और चूंकि हमारे नेमावर नगर परिषद का घाट और उससे नर्मदा नदी से लगे हुए 24 हमारे जो ग्राम पंचायत है वो प्रभावित होती हैं, तो सभी ग्राम पंचायतों के सचिव, सरपंचों की उपस्थिति में समस्त सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। पिछली बार क्या कमी रह गई थी उस पर भी हम लोगों ने विचार किया है। इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि बाढ़ में हमारे होमगार्ड डिपार्टमेंट, हमारे जनपद पंचायत वाला विभाग सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो इस संबंध में उनको स्पष्टतः निर्देश दिए गए हैं। ऐसे नदी नाले जो कि अभी साफ नहीं हुए हैं और जिनके कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है, उनको भी साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।